दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आपको जो लिस्ट अकाउंट की दी गई है आप वो सभी इन्जॉय कर रहे हैं और आप लोग बहुत ही शिद्दत के साथ उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों इस पार्ट के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट, जिसका नाम रखा है मैंने मस्ट डू लिस्ट। ठीक है दोस्तों, और साथ में ही हम डिस्कस करेंगे RTP के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, जो इस बार नवंबर 17 में आपको दिए गए हैं। दोस्तों ये सब बताने से पहले मैं कुछ फेक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन बाय ऑल स्टूडेंट्स, जो कि मुझे कमेंट्स में दिखाई दिए। सर पहला क्वेश्चन ये कि कौन सा आप एडिशन से करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात कि जो अकाउंट की सीरीज मैंने आपको बताई वो मेरे पास अप्रैल 16 का एडिशन लेटेस्ट मुझे मिला, उसके बाद कोई मिला ही नहीं सर। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन बच्चों का जो मैक्सिमम आया कि ये क्वेश्चन ही सिर्फ करने हैं या और भी कुछ कर सकते हैं। सर मैंने कहा कि जो क्वेश्चन की लिस्ट दी है ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम नहीं है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप इसके साथ और भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है सर, ज़रूर कीजिए, कोई मनाही नहीं है। ठीक है सर, थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे दोस्तों ने पूछा AS6 के को लेके कि सर इसके ये तो हटा दिया गया है, इसके बाद भी आपने इसे क्वेश्चन दे दिए। सर आप समझे नहीं, मैंने कमेंट में कुछ को रिप्लाई करने की भी कोशिश की लेकिन आप में से बहुत कम बच्चे हुए जो समझे, इसलिए मैंने वहाँ रिप्लाई देना ही बंद कर दिया। सर क्वेश्चन ये था कि AS6 के आपने 4 क्वेश्चन क्यों लिए हैं जब वो हट गए हैं। ठीक है सर, आंसर सुनिए सर। सर मैंने कहा मैंने क्वेश्चन लिए हैं, मैंने आंसर नहीं लिए हैं। ये क्वेश्चन अगर AS6 वाला है, बस एग्जामिनर ये लिख दे कि डिस्क्राइब्स एज पर रिलेवेंट AS, अगर वो ये डाल के दे दे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, यही क्वेश्चन अगर वो ऐसे करके दे दे कि डिस्क्राइब एज पर रिलेवेंट AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बताओ, तो आप सर AS6 मत लिखिए ना। मैं क्या कह रहा हूँ, आप AS6 मत लिखिए ना, तो क्या लिखे ट्रीटमेंट AS6 वाला? नहीं सर, आप नया AS10 जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। सर मैं ये कहना चाहता था कि क्वेश्चन यही रहेंगे, लेट सपोज मैंने बस एक एजम्पशन ली कि क्वेश्चन यही रहने दो, अगर आपको ये पूछ लिया जाए बाय चांस, कई बार जो हमारा ICI होता है वो रिपीटेड क्वेश्चन या पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के डाल देता है, तो पास्ट ईयर का क्वेश्चन रहने दो ना, आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग दो ना सर, AS10 के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, मैं ये कहना चाहता था। चलिए दोस्तों ये आपके एडिशन की बात हो गई और ये सारी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस की बात हो गई सर। तो अब इस पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पर भी सर मैं बता दूं आपको कि ये मस्ट डू लिस्ट है सर। मस्ट डू मतलब कि ये एटलीस्ट मिनिमम क्वेश्चन है कि जो आपको एग्जाम से पहले करके जाने हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। ये क्या करेंगे सर, ये आपका 100% टॉपिक कवर कर लेंगे जो मैक्सिमम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सर मेरे वर्ड्स को पकड़े, ये वो मिनिमम टॉपिक है जो मैक्सिमम 100% टॉपिक कवर करते हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। इसका करने का फायदा सर, सर दो फायदे हैं, आप 60+ आराम से ले आएंगे, ऊपर से आपकी जो प्रैक्टिस मैन की टेंशन होती है क्या करे क्या ना करे वो टेंशन खत्म हो गई सर। ये सर कैसे मैंने बनाया है, ये क्वेश्चन की लिस्ट कैसे तैयार की है सर, प्यार से मेरे शब्दों को सुनिए सर। आप सुनते नहीं है फिर फालतू के मैसेजेस आते हैं, मैं भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, आपके इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं सर क्या कहूँ मैं। आप मैसेज करते हैं बहुत अच्छा लगता है लेकिन एक ही क्वेश्चन रिपीटेड आता है ना, तो मुझे थोड़ी सी लगता है कि मैं शायद समझा नहीं पाया। सर मैंने ये कहा कि लेट सपोज मैंने ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके बताए हैं, जैसे अब आप ये कहेंगे कि भैया कैसे एनालिसिस करते हैं, कुछ बच्चों ने ये भी पूछा, आप ऐसा करिए एक दिन अगर कोई ब्रिलियंट बच्चा है तो वो 4-6 आवर लगाएगा, कोई एवरेज स्टूडेंट है तो सर 8-10 लगाएगा, और कोई थोड़ा और लो ग्रेड है तो सर 12 जितने आवर्स लगा दो पता नहीं। आप क्या करिए सर, 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको पकड़ना है। ठीक है सर, 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को पकड़िए, पास्ट 10 ईयर यानी 20 अटेम्प्ट। ठीक है सर, और क्या करना है, प्लस आप क्या कीजिए PM को उठा दिए। जब आप ये उठाएंगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा, पैटर्न। ठीक है सर, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, किस तरीके से पूछा गया, किस तरीके से पूछा गया, और जो बच्चे इस पैटर्न को नहीं देखते वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ठीक ना सर, लेकिन जो बच्चे इस 10 ईयर के पैटर्न को समझ पाते हैं
जो बच्चे ये देख पाते हैं कि प्रैक्टिस मैनुअल में ये पैटर्न किस तरीके से पूछा जा रहा है, वो बच्चे सर एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। सिंपल सी बात है सर, दिस इज़ नॉट अ मैजिक। और मैं किसी भभूति बाबा या किसी का वो नहीं कर रहा कि इस उन्होंने ऐसा कहा, ये सर जस्ट अ मैथमेटिकल पैटर्न है जिसे मैं समझ पाया हूँ और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर आप में से कुछ लोग ये पूछते हैं कि आपने कैसे दिया, कैसे पता चला। सर एक ट्रस्ट नाम की चीज़ होती है, सिंपल सी बात कहूँगा सर, वीडियो में कहना नहीं चाहिए बट दिल में आ रहा है तो बोल दे रहा हूँ सर, ज़्यादा सोचा नहीं मैंने। ट्रस्ट नाम की चीज़ होती है, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा अनसब्सक्राइब कीजिए, मत कीजिए। मैंने बस जो एफर्ट लगाए हैं आपके लिए 12 to 14 आवर्स के हर सब्जेक्ट को टोटल जो एफर्ट दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है सर, जो भी मैंने एनालिसिस की अपनी, तो वो सब बस आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस भाई को लगे कि मैं सही बोल रहा हूँ फॉलो मी, नहीं लगता सर अनसब्सक्राइब मी। बस सर ज़्यादा मुझे आर्ग्यू करना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि जो ट्रूथ होता है उसको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती सर। ये एक बार पैटर्न आप फॉलो कीजिए, या फिर एक बार अगर मुझे जज करना है कि मैंने सही बताया कि नहीं, सर आप 10 ईयर्स के पास पेपर खोलिए बस सर, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन की मैं लिस्ट दे रहा हूँ उसे मैच करके देखिए कि ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद मैं कितना फेक रहा हूँ कितना सच बोल रहा हूँ आपको अपने आप पता चल जाएगा सर। इससे ज़्यादा मैं रियली में आर्ग्यू नहीं करना चाहता कि क्या है क्या नहीं है। बस एक क्वेश्चन की भैया एडिशन क्या लगा है, एडिशन आप कौन से पीएम को उठा रहे हैं, तो सर ये मैं सबसे पहला मैसेज ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है सर, कमेंट बॉक्स के अंदर, वहाँ पे आप सब चेक कर लेना कि कौन सा एडिशन मैंने दिया है कौन सा नहीं दिया है। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी जो आप दे रहे हैं या पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में होते हैं, तो प्लीज़ इसे एक बार देख लीजिए दीजिए कि इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं सर, आपके अपने आप बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आता हूँ सर आज की डिस्कशन के ऊपर जो मुझे आपके साथ करनी थी। सर जब आरटीपी को उठा रहे हैं सर, तो एफएम की बात कर रहे हैं, तो मैं एफएम के पॉइंट से बात कर रहा हूँ सर। पहले एफएम में सर आपका रिलेवेंट क्वेश्चन है इस बार का 2, 3, 5, 7, 9 एंड 10, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सर प्रैक्टिस मैनुअल की। सर किसी ने कहा, एक क्वेश्चन आया था सर स्टडी मटेरियल कर सकते हैं, सर मैंने क्या कहा कि मैं जो बता रहा हूँ वो मिनिमम है, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, यू आर अ सुपर माइंड ब्लोइंग ऑसम, आप कीजिए सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा कम से कम ये करके जाइए ताकि आपका अटेम्प्ट नवंबर 17 क्लियर हो सके सर, ठीक है सर। तो परेशान मत होइए क्या करना है नहीं करना है, जो करना है आप करिए, बट कम से कम ये कर लेना, मैं ये कह रहा, ठीक है सर। तो सर चैप्टर 1 की बात करते हैं पीएम के अंदर, तो सर वो थ्योरी का चैप्टर है, आप सबको पता होना चाहिए। तो वैसे थ्योरी के लिए एक बात नोट कर लेना आप, मैं थ्योरी के लिए टाइम मिला तो खुद थ्योरी डिस्कस करके आपको लिखवा दूंगा सर, ठीक है सर। तो मैं थ्योरी के टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ सर। थ्योरी है लेकिन फिर भी इसमें कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन है 4, 11 एंड 12, इन्हें कर लेना सर, ठीक है सर। चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आते हैं सर। चैप्टर नंबर 2 है सर वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें सर दो सेक्शन है, एक है सेक्शन A और एक है सर सेक्शन B। ये सर थ्योरी का है लेकिन आप इसमें फिर भी एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 जो मैक्सिमम आता है वही आता है सर, इसके अलावा कोई इससे ज़्यादा पूछता ही नहीं। और सर B के अंदर 1 एंड 4 आप देख लेंगे, ठीक है सर। इसके बाद हम आते हैं थर्ड चैप्टर के ऊपर सर। थर्ड चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस। सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आप करते करते थक जाएंगे सर रियली में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है क्वेश्चन। यूनिट 1 जो कि सर रेशियो को इंडिकेट कर रही है आपके, इसके अंदर सर आप क्वेश्चन करेंगे 3, 7, 8, 9। आप बोलेंगे ये तो सीरीज में हो गया, सर जो कह रहा हूँ आप कीजिए बस। आप इसको करने के बाद कोई भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर एक बार करके देखना, आपके क्वेरी अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी कि आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है सर। बट जो मैं लिस्ट दे रहा हूँ इसे मगअप नहीं करना है, आपको लॉजिकली सॉल्व करना है, ठीक है सर। कुछ बच्चे की नहीं भैया इनको तो रट्टा मार के चले जाता हूँ, एग्जैक्टली ये कुछ नहीं, नहीं सर एग्जैक्टली नहीं आएंगे,
आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगी, क्योंकि मैं आपको जेम्स बॉन्ड वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसकी वजह से आप जेम्स बॉन्ड बन चुके हैं और बन जाएंगे इन क्वेश्चनों को करने के बाद, अगर आप ये खुद के कॉमन सेंस से कर रहे हैं तो सर अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको लॉजिकली इन्हें खुद से करना है। सर इसमें फिर यूनिट टू है हमारे पास, यूनिट टू है सर फंड फ्लो वगैरह की, फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, और इसमें वर्किंग कैपिटल वगैरह की डिटेल देनी होती है सर। तो सर इसके लिए आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन है 5, 6, 8, 12 एंड 30। इन्हें सर गैप देके इसलिए लिखा है कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन लिख के करना है और बाकियों को ऑडिट कर लेना सर, ठीक है। इनमें से भी कोई एक क्वेश्चन आपको लिख के करना है और बाकियों का ऑडिट कर लेना। क्या सर सारे लिख के कर सकते हैं? बिल्कुल कीजिए, अगर आपके पास आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, वन ग्रुप दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप ही दे रहे हैं, तो जरूर लिख के कीजिए सर, बहुत अच्छा तरीका है, आप सारे ही लिख के गए, ठीक है। चलिए सर इसके बाद आपके पास फोर्थ टॉपिक आता है, और इसके अंदर सर खुद अपने अंदर इसके 3 यूनिट्स दिए हुए हैं सर। फाइनेंसिंग डिसीजन के ऊपर सर ये बेस्ड है फोर्थ आपका प्रैक्टिस मैनुअल में। सर इसमें यूनिट 1 है हमारी, इसके अंदर आपको क्वेश्चन करने हैं 6, 7, 9, 12। यूनिट 2 इसमें सर क्वेश्चन करने हैं 3, 8, 10, 11। उसके बाद सर यूनिट 3 है हमारी 10, 11, 13, 18, ठीक है सर। तो ये हमारी 4 यूनिट्स 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अब सर हमारे पास फिफ्थ आता है टॉपिक जो थ्योरी का है हमारा, कि भैया फाइनेंस आपको कहाँ से एडजस्ट करना है, EDR GDR। सर इस पे मैं खुद एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं बना पाऊँ, प्रॉमिस नहीं है सर, कोशिश करूंगा कि मैं बना पाऊँ और आपकी सारी थ्योरी डिस्कस कर लूंगा सर, जो अब तक बहुत सारे टीचर आपको दे चुके होंगे, बट मैं एक बार नए तरीके से कुछ करने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारी थ्योरी वीडियो के थ्रू रटवा दूँ सर, ठीक है। कोशिश ट्राई करूंगा सर, नॉट प्रॉमिस। तो ये सर 5th यूनिट कम्प्लीट होगा, हमारे 5 चैप्टर कम्प्लीट हो गए यहाँ पे। 6 सर प्रैक्टिस मॉडल के अकॉर्डिंग 6 है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में सर जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट प्रोसेस पढ़ते हैं सर, किस तरीके से पैसा लगाएं कि मैक्सिमम हायर रेट ऑफ रिटर्न हो, सर इसमें ये बहुत टफ माना जाता है। ये टॉपिक जो 8 मार्क्स का एग्जाम में पूछने वाला पूछा जाता है और पूछा जाएगा इस बार भी, प्लस इससे एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये एग्जाम में सबसे टफेस्ट माने जाते हैं बच्चों की नज़र में, ठीक है सर। तो मैं इस 8 मार्क्स के टॉपिक के लिए, ये कितना भी टफ क्यों ना हो, मैंने सर एनालाइज की, आप भी एक बार 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर खोल लेना सर, आप भी करके देख लेना, लेकिन एग्जाम के बाद कर लेना सर, अभी इतना टाइम नहीं है, ठीक है। एक बार ना जितने क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके इनके आप जेम्स बॉन्ड बन के जाइए एग्जाम में, और मैं आपको 99.99999% का गारंटी देता हूँ कि इसी में से आएगा सर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन, ठीक है सर। सर वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हैं, 16, 29, 28, 27, 26, 24, 22 और 20। आप कहेंगे उल्टे क्यों लिखे हैं सर, वो थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे लिख दिया मैंने, आप इसे ऐसे लिखिए 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 16। सर नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर 8 मार्क्स के लिए मैंने आपको 8 क्वेश्चन दिए हैं, दुनिया के लिए हवा है ये, हवा ये चैप्टर। FM इसीलिए टफ लगती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझ ही में नहीं आता। आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, लॉलीपॉप क्वेश्चन है सर प्रैक्टिस लेवल के अंदर, गारंटीड कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आने वाला। ये कैसे मैंने किया है सर, ये मैंने एनालाइज किया है, बहुत तगड़ी एनालिसिस की है प्रैक्टिस मॉडल की और पास्ट ईयर के क्वेश्चन की सर। आपको भी हो जाएगी सर ये, अगर आप एक बार अपने 8-10 घंटे वेस्ट कर दे सर, ठीक है सर। ओके अब आपके पास सर लास्ट टॉपिक पे आता हूँ, जिससे के बाद आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म हो जाता है सर। 7 टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है सर। ये भी बहुत टफ माना जाता है और ये भी 8 मार्क्स का कंपलसरी होता ही है सर, हर एग्जाम में आपको देखे जाएगा सर। यूनिट 1 वर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसका नाम है सर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल।
इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन करने हैं 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20। इसमें क्या करना है सर, ये कुछ सेम टाइप के क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूँ आपका एग्जाम इसके बाहर से आएगा ही नहीं, आप बस एक बार करके जाइए, ठीक है सर। आप इनमें से ये आपके क्वेश्चन हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन 7 में से सर कोई 3 का ऑडिट कर लेना, ठीक है सर, और 4 को आपको लिख के कर लेना है, ठीक है सर। या आप 3 लिख के कर लेना, 4 को ऑडिट कर लेना, जैसा आपको सुटेबल लगे आप कर लेना। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपने पीएम अब तक टच ही नहीं किया है, तो सारे ही लिख के कर लेना सर। सर उसके बाद यूनिट 2 है मेरे पास, कैश बजट के बारे में है सर। इसमें सर क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14 करने हैं सर। आप इन दोनों में से एक ऑडिट पे जाएगा आपके, ऑडिट टेक्निक का यूज, और एक आप लिख के करेंगे भाई बाय हैंड। लो सर, इसके बाद सर हमारे पास अगला है यूनिट 3, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करता है सर। और इसमें से मैं एक भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है सर, क्योंकि जिसने मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रखा है उसके लिए आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ टाइम ही वेस्ट नहीं कर रहा। फिर सर डेप्टर मैनेजमेंट के बारे में, इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर बता रहा हूँ आपको, 2, 7, 13, 15, 16, 17, 18 एंड 20। सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। सर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है इसी में से। और वर्किंग कैपिटलमेंट में अगर मैं आपको स्टार दूँ, तो सर ये इस अटेम्प्ट के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है सर। और सर कैश बजट में लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इस बार नहीं आने के चांसेस है। मेरी तरफ से सर मैं इसको सिर्फ 2 स्टार दूंगा आउट ऑफ 10, और सर इस वाले टॉपिक को मैं सर 6 स्टार दूंगा आउट ऑफ 10। तो मैक्सिमम फोकस सर आपको करना है डेप्टर मैनेजमेंट पे, और उसके बाद सर करना है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। सर अब मेरी तरफ से कुछ स्टेप्स सुन के जाइए। ये क्वेश्चन करने के बाद जो मैंने आपको मिनिमम क्वेश्चन की जो लिस्ट दी है सर, मिनिमम क्वेश्चन की जो लिस्ट दी है, इसे करने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन, ठीक है सर, फर्स्ट क्वेश्चन ने लिखा, मेरे कहने का सेंस एक भी क्वेश्चन, ठीक है सर, कोई भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगेगा, ठीक है सर। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको सारे क्वेश्चन पीएम के ही नजर आने वाले हैं, क्योंकि आपका सिलेबस बदल गया है सर मई 18 से। तो एग्जामिनर खुद चाहता है कि जितने भी पुराने बच्चे हो वो पास हो जाए। वो मैक्सिमम 90% ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनू से हो। एक दो क्वेश्चन हो सकता है वो बाहर से पूछे। तो सर एक दो क्वेश्चन के लिए मत जाओ, ब्रूसली बनो। ब्रूसली ये कहते हैं कि 10,000 मूव से डर नहीं लगता साहब, एक मूव से लगता है जो आपने 10,000 टाइम किया है सर, ठीक है सर। तो फालतू में इधर उधर ना भटके, किसी किताब के लिए, किसी ऑथर के लिए कुछ मत करो सर। बस पीएम के जो मैंने आपको क्वेश्चन की लिस्ट दी है वो कर लीजिए, सफिशियंट है। बाकी आपकी मर्जी, आपको ट्रस्ट करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। मेरा काम था आपकी हेल्प करना, जितनी हो सकी मैंने कर दी सर। बाकी सर कॉस्ट का वीडियो मैं 1-2 दिन के अंदर अभी अपलोड कर दूंगा। और सर टैक्स के लिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे, सर टैक्स के लिए मैंने ऑलरेडी 13 वीडियो सर बना के डाले हुए हैं रिविजन के लिए, वहां से आप कर लीजिए सर। प्लस उनके एंड में जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चन बनते हैं सर प्रैक्टिस मैनुअल के, वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है सर। बाकी लॉ की रही बात, तो लॉ के लिए भी सर मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ। कल शायद मेरा एमओए का एक वीडियो आ जाए, उसके बाद सर एक एओए पे आ जाएगा, और फिर एक इन दोनों की केस स्टडी से रिलेटेड भी एक वीडियो आ जाएगा। सर मैं जितना कोशिश हो सकेगा आपके लिए करता रहूँगा, जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिए, आपका कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, ज़रूर बताएं कि क्या आपको मेरे वीडियो से किसी बात से कोई प्रॉब्लम है। और बाकी सर कोशिश कीजिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखिए जो मैं कह रहा हूँ और जो आप सुन रहे हैं उसके बीच, और सर लगे रहिए, चाहे जो भी हो जाए रिजल्ट आपके फेवर में होना चाहिए सर, ठीक है सर। आप किसे फॉलो करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप इस अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं या नहीं करते, ठीक है सर। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।